में पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल के नेशनल हाईवे पर सेक्टर 9 के समीप स्थित पेट्रोल पंप पर अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट की वारदात की गई। इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि करनाल में लुटेरे पेट्रोल पंप का निशाना बनाकर फरार हो गए। लुटेरों ने पहले कर्मचारियों को जमकर पीटा, फिर उसके बाद 30,000 की नकदी, 2 मोबाइल फोन और DVR लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि करनाल में इस बार पेट्रोल पंप को निशाना बनाकर लूट की वारदात हुई है। कैबिन में बैठे कर्मचारियों को लुटेरे पीट कर उनसे नकदी लेकर फरार हो गए। देर रात 3 लुटेरे बाइक पर सवार होकर पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं और पेट्रोल पंप बंद होने के कारण कैबिन में बैठे कर्मचारियों से बहस शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कैबिन के शीशे को तोड़ देते हैं। कर्मचारियों को पीटा जाता है, उनसे नकदी ली जाती है, उनके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं और CCTV कैमरे के DVR उठाकर जाने की तैयारी में होते हैं। जब पुलिस की राइडिंग टीम वहां पहुंचती है तो बाइक छोड़कर ही लुटेरे मौके से पैदल फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो लड़कों ने किसी ड्राइवर के फोन से कॉल किया कि भाई यहाँ पे लड़कों किसी ने चोट मार दिया। जब मैं पहुंचा हूँ तो देखा है कि एक लड़के की सर से ब्लीडिंग थी, एक के पैर से ब्लीडिंग थी। मौके पे सेक्टर 9 चौकी प्रभारी और पहुंचे थे, राइडर एक राइडर थी और 2 पुलिसकर्मी और थे वहाँ पे। लड़कों ने बताया कि रात को कोई कहते कि हमें तेल चाहिए, लेकिन हम 11 बजे तक ही काम करते हैं। उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से बात की है, शीशा तोड़ दिया। जैसे लड़के ने दरवाज़ा खोला है तो उसके सर पे कोई हथियार मार दिया। लड़के के सर पे अभी 3 स्टिचेस आ गए हैं, उसको ब्लीडिंग बहुत हुई है। दूसरे लड़के के ऊपर भी उन्होंने हमला करा है, उन दोनों के मोबाइल छीन लिए, पैसे छीन लिए, DVR तक पूरी वायरिंग हमारी ऑनलाइन तो सारी वायरिंग काट दी है, DVR उठा लिया है और जो इससे DVR रिलेटेड जो भी वायरिंग थी वो सारी कट कर दी। जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मशीन लगी होती हैं वो तोड़ दिए हैं। ड्रॉअर वगैरह सब कागज वागज से उन्होंने किया होगा, फाइलें वगैरह फाड़ दिए, क्या कैश ढूंढ रहे होंगे, जो उनको मिला उनके काम को उनको लगा वो लेके चले। रात के लोग कर्मचारी रात को 11 बजे तक पेट्रोल देते हैं ये। उसके बाद रात को 1:30-2 बजे के करीब 2-3 लड़के आए थे पेट्रोल देते और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। भी रात को हम पेट्रोल नहीं देते हैं तो उन्होंने शीशा तोड़ दिया उनका और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो 2 जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट करी। उस दौरान ही उन्होंने उसके साथ लूटपाट कर ली, मोबाइल वगैरह छीन लिया और पैसे थे जो गले में वो पैसे भी अब बताते हैं क्या चीज़ जानकारी कैसे होंगे। इसी इन बिटवीन हमारी राइडर पेट्रोलिंग पुलिस आ गई यहाँ और उस पुलिस को देख के वो भाग गए। हमने पीछा भी किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रीन बेल्ट में वो लोग नहीं मिल पाए। मोटरसाइकिल उनकी यहीं रहेगी थी मौके पर, हमारी इन्वेस्टिगेशन जाएगी। तो DVR वगैरह भी ले गए, DVR वगैरह बताया ना, DVR ले गए हैं, मोबाइल भी ले गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें जल्दी इस बात करते हैं। DVR वगैरह भी ले कितने बजे के आसपास की बात है? मारा पीटा भी है, कैश कितना लगे हैं? आप दोनों अंदर आराम कर रहे थे, बैठ रहे थे, सो रहे थे, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.